नौकरी, दुल्हन, गंदी नीयत, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी और साजिश नाकाम। जी हाँ, इस खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, इसके कई किरदार हैं। ये महिला जब एक बंगले में नौकर के रूप में दाखिल हुई थी तो इसके यही सारे ख्वाब थे। इसने नौकरानी से महारानी बनने का पूरा ताना बाना बुन रखा था, लेकिन इसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और ये बेनकाब हो गई। फिलहाल अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लेकिन इसके कारनामे ऐसे हैं कि सुनने वाले हैरान रह जाएं। गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर के किनारे 250 करोड़ के कॉलेज की प्रॉपर्टी को कब्जाने के लिए एक महिला नौकरानी के वेश में आई और कॉलेज के मालिक जो कि कैंसर पीड़ित थी उसकी देखरेख में लग गई। कैंसर पीड़ित कॉलेज की मालकिन सुधा सिंह की देखरेख तो की, लेकिन नौकरानी की नीयत गंदी थी। उसने मालकिन के मंदबुद्धि बेटे से शादी दिखाकर पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की प्लानिंग की। नौकरानी अकेले नहीं थी, उसके साथ उसका पूरा गैंग था और पूरा गैंग कॉलेज की मालकिन सुधा सिंह की 250 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। लेकिन जब नौकरानी ने शादी की कहानी रची तो मंदबुद्धि युवक की बहन को शक हुआ और पुलिस की छानबीन में होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है, क्योंकि ये महिला पहले ही कई लोगों से फर्जी शादियां कर चुकी है और इसका मकसद फर्जी तरीके से शादियां कर प्रॉपर्टी हड़पना होता है। ये महिला हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है और इसके खिलाफ कई अलग अलग थानों में केस दर्ज है। दरअसल प्रीति लोगों को अपने जाल में फांस कर उनकी प्रॉपर्टी कब्जा करने के लिए उनसे शादी भी किया करती थी। उसके खिलाफ जो पुलिस दिया जानकारी है उसके मुताबिक करीब 3 मामले और अभी ऐसे करीब आधा दर्जन मामले सामने आए हैं जहां उन्होंने लोगों से शादी करके उनकी प्रॉपर्टी कब्जाई है। जूनी कॉलेज के जो मालकिन थी उनके कैंसर पीड़ित होने के बाद वो मेड के रूप में यहाँ दाखिल हुई थी। उसे दाखिल कराने वाला कोई और नहीं मसूरी थाने का गैंगस्टर सचिन था। उनके एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे के साथ शादी दर्शाकर इस 250 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। नौकरानी के होश तो तब उड़ गए जब उसे पता चला कि जिस कैंसर पीड़ित महिला के मंदबुद्धि लड़के से वो शादी का दिखावा कर रही है वो प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है। कॉलेज की मालिक सुधा सिंह ने मौत के पहले ही अपनी बेटी को पूरी वसीयत सौंप दी थी। कॉलेज की मौजूदा मालकिन आकांक्षा सिंह ने बताया कि उनकी मां कैंसर से पीड़ित थी। उनके घर में देखने के लिए एक मेड को रखा गया था जिसे पास के ही गांव के रहने वाले सचिन और उसकी बहन परवेज ने रखवाया था। सचिन मसूरी थाने का हिस्ट्री शीटर है। सुधा सिंह की मौत के बाद उनकी 13वीं के कार्यक्रम के पूरा होते ही मेड घर में काबिज हो गई। उसने कहा कि उसके भाई से उसकी शादी हुई है, जबकि सुधा सिंह ने जीते हुए ही अपनी एक वसीयत अपनी बेटी आकांक्षा के नाम कर दी थी, जिसके बाद सारी पोल खुल गई और उनके इस 250 करोड़ के कॉलेज की जमीन को कब्जाने का सपना अधूरा रह गया। इसकी जानकारी मुझे एकदम नहीं थी, बाकी जो एविडेंस वो शो कर रही है वो चीज़ें भी मुझे 13वीं के जस्ट नेक्स्ट डे पता लगी हैं। वो हमारे घर में एज अ मेड ही थी, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हमारे आगे आउट नहीं हुई थी। उनकी 13वीं के बाद उसने तुरंत हमारी प्रॉपर्टी को लेकर ये सारी चीज़ें एकदम आउट करी। इवन मैं भी शॉक्ड हूँ कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, बिकॉज मैं तो घर में ही थी, मॉम के साथ ही थी, हम हॉस्पिटल आते थे जाते थे, वो तो एज अ मेड ही रहती थी। उसने ये फोटोग्राफ्स कहाँ से बनवाई हैं कहाँ से नहीं बनवाई हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, और ना ही मेरा भाई मेंटली डिसेबल्ड है, वो बाय बर्थ ही ऐसा है। उसे यही नहीं पता कि उसकी मॉम का नाम क्या है या उसकी बहन का नाम क्या है या वो कहाँ रहता है, तो उसको शादी की चीज़ों के बारे में क्या पता है। आरोपी प्रीति और उसके साथी नीलम ने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे और कॉलेज परिसर में ही स्थित उनके मकान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आकांक्षा ने पुलिस को शिकायत की। मामले में FIR दर्ज होकर जब जांच की गई तो पूरी सच्चाई सामने आ गई और फर्जी शादी वाले इस रैकेट का पर्दाफाश हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस रैकेट के एक आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रीति और उसका साथी नीलम अभी फरार है। जब इसमें पूरी गहनता से छानबीन की गई, जब जांच की गई, तो इसमें प्रकाश में आया कि एक सचिन पुत्र मांगेराम जो कि मसूरी का रहने वाला है, इसके द्वारा एक गिरोहबंद तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसमें ये इस तरह की महिलाओं को इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनकी संपत्तियों को इस तरह के मोडस ऑपरेंडी को अपनाते हुए कब्जा किया जा सके। और खोजबीन में ये भी प्रकाश में आया है कि ये जो महिला प्रीति है ये पूर्व में भी इस तरह की 3 शादियां कर चुकी हैं, तलाक हो चुका है सभी में, और ये एक पूरा गिरोह के तौर पे काम करता है। आकांक्षा की मां सुधा सिंह ने आकांक्षा के नाम पर एक वसीयत कर रखी थी जिसकी जानकारी प्रीति को नहीं थी।
जब उनकी 13वीं पूरी हुई तो इस परिसर में मौजूद उनके मकान में प्रीति और उसके 3 साथी घुस करके कब्जा कर गए। लेकिन आकांक्षा ने इस मामले में पुलिस में FIR दर्ज कराई और जब इस पूरे मामले की छानबीन हुई तब पता चला कि प्रीति, सचिन और उसके साथियों ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा था जिसमें पूरे 250 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को कब्जा किया जाना था। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।